विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। बच्चों, आज आपके पाठ्यक्रम के जो थ्योरी पेपर है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में आपको पाठ्यक्रम में बताया था कि आपके दो थ्योरी पेपर होंगे, तो आज हम फर्स्ट पेपर जो है उसके फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है शब्दों की परिभाषा। कुछ सांगीतिक शब्द हैं, उनकी परिभाषाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो पहली परिभाषा हम ले रहे हैं वो है गत। बच्चों, इसमें जो परिभाषाएं हैं आपकी, उसमें गत, जोड़, अलाप, मीण, जमजमा, क्रंतन, झाला, ये जो सांगीतिक शब्द हैं, ये असल में जो शब्दावली हैं, ये सब जो हैं वाद्य संगीत से रिलेटेड है। यानी वाद्य संगीत में ये जो शाब्दिक ये सांगीतिक शब्द हैं ये प्रयुक्त होते हैं। जय, अब सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो है गत। जिस तरह से बेटा आप लोग गायन वाले विद्यार्थी जो स्वर, ताल और पद के साथ जो आप इनमें से बधी हुई जो रचना प्रस्तुत करते हो, वो शास्त्रीय जो रचना है वो बंदिश कहलाती है। इसी तरह से किसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना जिसमें स्थाई अंतरा, ये दो भाग होते हैं, तथा जो वीणा, सरोद, सितार, वायलिन, मतलब इस तरह के जो वाद्यों पर बजाई जाती है उसे गत कहते हैं। यानी बंदिश और गत जो है उसको इंग्लिश में हम कंपोजिशन कहते हैं। तो गायकी में ये बंदिश कहलाती है और तंत्र वाद्यों में और वाद्य संगीत में इसे गत कहते हैं। यानी एक बार मैं आपको और रिपीट करती हूँ कि इसी राग के स्वरों की तालबद्ध रचना जिसमें स्थाई अंतरा, ये दो भाग होते हैं, और जो वीणा, सितार, सरोद, वायलिन आदि जैसे बांसुरी आदि वाद्यों पर बजाई जाती है उसे गत कहते हैं। गत जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार आपकी गायकी में आपका ख्याल गायकी होती है, उसमें बड़ा ख्याल होता है, छोटा ख्याल होता है, ठीक उसी तरह से वाद्य संगीत में गत जो होती है, एक मसीद खानी गत यानी विलंबित लय की जो गत है वो होती है, दूसरी रजा खानी गत यानी द्रुत गत होती है। तो पहली जो गत है मसीद खानी गत, इसे मसीद खान साहब के नाम के उस्ताद ने इसको आविष्कृत किया था, इसलिए उनके नाम से इसको मसीद खानी गत कहा जाता है। और जिस गत की चाल विलंबित होती है एवं प्रकृति गंभीर होती है वो मसीद खानी गत कहलाती है। और इस गत के बोल जो हैं वो एक फिक्स होते हैं यानी निश्चित होते हैं। क्या है ये बोल? ये जो हैं बारहवीं मात्रा से प्रारंभ होते हैं, जैसे मैं त्रिताल की बात कर रही हूँ, यानी बारहवीं मात्रा से ये बोल प्रारंभ होंगे। दिर दा, दिर दारा, दा दारा। फिर इसी को हम पूरी स्वरावली को फिर रिपीट करते हैं। दिर दारा, दा दारा। इस प्रकार ये 16 मात्रा की ये पूरी मतलब ये बोल आ जाते हैं जो कि बारहवीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये मसीद खानी में इस तरह से बोल जो हैं वो निश्चित होते हैं। यानी एक बार फिर बताऊं कि दिर दारा, दा दारा, दिर दारा, दा दारा। मसीद खानी गत के बाद बसती है रजा खानी गत। जिस गत की चाल द्रुत तथा प्रकृति चंचल होती है उसे हम रजा खानी गत कहते हैं। जैसे आपका छोटा ख्याल, उसकी लय तेज होती है। और इस गति, ये रजा खानी गत के बोल जो हैं दा दिर दारा, दिर दिर दार, दार दा, इस तरह से होते हैं। और इसके लिए ये निश्चित नहीं है कि जैसे मसीद खानी गत तो ये निश्चित है कि वो बारहवीं मात्रा से ही प्रारंभ होगी, लेकिन रजा खानी गत को हम पहली मात्रा, सातवीं से, बारहवीं से, नवीं से, ये कहीं से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार गत के दो भाग, मसीद खानी गत और रजा खानी गत।
अगली जो परिभाषा है वो है जोड़ आलाप। देखिए आलाप यानी राग का जब हम धीमी गति से स्वर विस्तार करते हैं वो एक आलाप कहलाता है। अब सितार वीणा आदि जैसे वाद्यों पे जब हम विलंबित आलाप के पश्चात मध्य लय के छोटे छोटे स्वर समुदाय द्वारा चिकारी का हम विशेष प्रयोग करते हुए जब राग का विस्तार करते हैं तो उसे जोड़ आलाप कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मतलब देखिए सितार जैसे वाद्य में जो है जो मुख्यतः इसमें सात तार होते हैं सितार में, इसलिए जो लास्ट तार होता है वो चिकारी का तार कहते हैं। तो उस शिकारी के तार का इसमें प्रयोग होता है। पहला मेन जो तार होता है वो बाज का कहलाता है, दूसरा चिकारी का। तो बाज और चिकारी का एक अद्भुत इसमें समन्वय होता हुआ उसमें हम एक मध्य लय की में एक लय स्थापित कर लेते हैं और छोटे छोटे स्वर समुदाय द्वारा राग का विस्तार करते हैं, तो ये जोड़ आलाप कहलाता है। जोड़ आलाप हमेशा जो है वो विलंबित आलाप के बाद बजाया जाता है। जैसे ये देखिए आलाप में जो है आप देखना कि आलाप में जो है जो प्रारंभ में गीत या गत के पूर्व जो आलाप किया जाता है उसमें तबला नहीं बजता है। तबला की संगत जब भी प्रारंभ होती है जबकि बंदिश या गत प्रारंभ होती है, तो ये आलाप जो उससे पूर्व होता है तो आलाप के बाद जोड़ शुरू होता है। पर जोड़ जो है ये मध्य लय में बजता है और इसमें एक लय कायम हो जाती है, इसमें तबला नहीं बजता लेकिन एक लय जो है वो कायम करनी पड़ती है। आलाप गंभीर प्रकृति का होता है, जोड़ में क्योंकि थोड़ी लय आ जाती है इसलिए वो चंचल प्रकृति का होता है। स्वरों के छोटे छोटे स्वर समुदाय लेकर गमक मीण जो ये सब आलंकारिक इसके अलंकरण हैं इनका प्रयोग करते हुए विशेषकर चिकारी का प्रयोग करते हुए जोड़ आलाप को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से ये गत और इसके बाद ये जोड़ आलाप है। अब हम अगली परिभाषा लेंगे मीण। मीण जो है ये गायकी में भी होती है पर जब हम वाद्य संगीत में देखते हैं कि जब ध्वनि को बिना खंडित किए यानी ध्वनि को बगैर खंडित किए हुए किसी भी स्वर से दो तीन अथवा चार स्वरों तक हम आगे या पीछे उच्चारित स्वरों को उच्चारित करते हैं तो उसे मीण कहते हैं। जैसे ध नि सा, इस स्वर को यदि हम मीण के द्वारा उच्चारित करें तो ध से सा तक यानी ध को पहले उच्चारण करेंगे यदि ध की पर्दे पे हम उंगली रखेंगे और आवाज़ को बिना खंडित किए हुए नी भी वो उसमें स्वाभाविक रूप से अपने आप उसमें कोमलता सहित वो स्पर्श हो जाता है और हमें सा तक जाना होगा। अर्थात ध से सा तक हम स्वरों को जब कोमलता सहित ध्वनि को बगैर खंडित करे हुए उच्चारित करेंगे तो वो मीण कहलाएगी। इसके लिए हम ऊपर जब जो स्वर होता है उसके ऊपर एक चंद्राकार सी जो है एक चिन्ह लगा दिया जाता है, उससे पता चलता है कि ये इस स्वर से इस स्वर तक इसमें मीण का काम है। तो मीण जो है इस तरह का काम होता है जो कि सितार वादन और ये इस तरह के वाद्य में जब पर्दों में काम होता है तब तक तो वो बहुत आराम से वो चीज़ बजता है लेकिन मीण का काम जो है उसके लिए स्वरों की विशेष समझ होना आवश्यक है तभी हम एक्यूरेट स्वर यानी सही स्वर जो है लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगली परिभाषा आपकी मीण की आई। मीण के बाद हम ले रहे हैं जो अगली परिभाषा हम लेंगे वो है जमजमा। यह क्रिया भी जो है सितार वाद्य में प्रयुक्त होती है मुख्यतः। जब सितार में दो स्वरों को एक साथ तथा एक दूसरे के बाद एक ही आघात में जल्दी जल्दी बजाया जाता है तो जो एक प्रकार की हिलती हुई आवाज़ उत्पन्न होती है वो जमजमा कहलाती है। और जमजमा में हम देखते हैं कि मुख्यतः दोनों उंगलियों का प्रयोग होता है। पहली उंगली तो पर्दे पर स्थिर रहती है और दूसरी से उस पर हरकत की जाती है, इस तरह जमजमा पैदा होता है। जैसे गा मगा 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 इस तरह से वो जो है पहली उंगली गा पे रहेगी और मगा इन दो स्वरों को जब हम जमजे की तरह बजाएंगे तो हम देखेंगे कि बाएँ हाथ की जो तर्जनी है वो गा के पर्दे पर रहेगी। फिर मिजराब से, मिजराब जो होता है वो सितार बजाने के लिए एक छोटी स्टील या
जो है एक लोहे की एक बनी रहती है, जिसको हम तर्जनी यानी दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इसको बजाने के लिए हम देखते हैं कि मगस और हम बजा रहे हैं तो जमजमे की तरह बजाएंगे, तो बाएं हाथ की तर्जनी जो है वो तो ग के पर्दे पर रखेंगे, फिर मिजराब जो कि हमारा दाहिने हाथ की है उससे ग के पर्दे पर हम देखेंगे कि मिजराब से हम बाएं हाथ से बाज के तार पर जोर से आघात करेंगे, और फिर मध्यमा से जो मध्यमा उंगली है उससे माँ के पर्दे को जल्दी जल्दी छू कर हटाएंगे। तो इस प्रकार दोनों उंगलियों के क्रमशः हरकत से जो ध्वनि उत्पन्न होगी और वो जो कंपित ध्वनि है वो जमजमा कहलाती है। तो इस तरह से ये हैं। अगली जो परिभाषा है वो है क्रंदन। सितार में ही हम देखते हैं कि किसी भी स्वर से उसके नीचे के स्वरों पर मिजराब से बाज के तार पर आघात कर, जब एक ही आघात से जल्दी से बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा की हरकत से जो ध्वनि उत्पन्न होती है और स्वरों का एक द्रुत प्रयोग होता है जिसमें एक अलग सा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्रंदन कहा जाता है। और अंतिम जो परिभाषा है वो है झाला। झाला जो है वो ये क्रिया जो है वो सितार की एक बहुत ही चमत्कारी क्रिया मानी जाती है। झाली का प्रयोग जो है वो द्रुत बंदिश के बाद में किया जाता है मुख्यतः, और प्रारंभ में हम जब देखते हैं कि आलाप जोड़ आलाप तो उस समय भी जो है जोड़ झाला जो है का प्रयोग किया जाता है। तो झाला मुख्यतः जो है जब सितार में बाज के तार, बाज का तार यानी जो पहला तार है एवं चिकारी जो कि आखिरी तार है, इसके तार पर सीधी तथा उल्टी मिजराब से समान लय में ध्वनि को बगैर रोके या कि बगैर खंडित किए हुए बजाया जाता है, उसको झाला कहते हैं। तो इसलिए इसके बोल दारा रा रा 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 ये इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। तो मुख्यतः इसके बोल हैं दारा रा रा दारा रा रा, यानी दा तो बजेगा बाज के तार पे और रा बजेगा चिकारी के तार पे। तो इसलिए दा यानी एक जो है बाज के तार पे, रा 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 ये तीन जो स्वर बजेंगे ये चिकारी के तार पे। तो झाले के हम देखते हैं मुख्यतः दो प्रकार, और फिर बाद में इसी के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, दारा रा दारा रा दारा दारा रा रा 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 करके इस तरह के कई वेरिएशंस इसके झाले के होते हैं। और झाला मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक सीधा झाला दूसरा उल्टा झाला। यानी सीधा झाला जिस झाले का प्रारंभ सीधी मिजराब से होता है उसे सीधा झाला कहते हैं, जैसे दारा रा रा दारा रा रा। और उल्टा झाला जिस झाले का प्रारंभ उल्टे मिजराब से होता है उसे उल्टा झाला कहते हैं, जैसे रादा रादा रा रा रादा रा रा। यानी इसमें पहले रा का स्ट्रोक लगेगा, पहले चिकारी का, सीधे झाले में दा का स्ट्रोक बाज पे लगेगा और उल्टा झाला में रा का स्ट्रोक पहले चिकारी पे लगेगा, रादा रा रा रादा रा रा रादा रा रा। तो इस तरह से जो है झाला जो है वो जब पहले फिर मसीद खानीगत होती है, फिर दुरुदगत बजाई जाती है रजा खानीगत, और फिर जो रजा खानीगत जो ला बजाने के बाद उसकी लय इतनी बढ़ा दी जाती है, फिर झाले का प्रयोग होता है, और फिर झाले की लय जो है वो क्रमशः धीरे 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 बढ़ा के जा बढ़ाती जाती उसकी इस तरह से बढ़ जाती है कि वो लय की जो अपनी जिस सीमा तक आप एक वादक का हाथ चल सकता है उस सीमा तक उसको बजाया जाता है, और उसके बाद फिर तिहाई लगा के उस झाले को समाप्त करते हैं। थैंक यू।